हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की 10 ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके साथ मेघा। तो चलिए जल्दी से डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर एक नजर। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान यूं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन उनके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं। एक बार फिर इरा खान अपनी फोटो को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल आमिर खान की लाड़ी इरा खान ने हाल ही में फोटो शूट कराया है। इन तस्वीरों में उनका स्टाइल और अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इरा खान की इन स्टाइलिश तस्वीरों को उनके फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। मलाइका अरोड़ा हमेशा ही अपने फैंस के साथ अच्छे से पेश आती हैं। मलाइका एक बार फिर ऐसे ही अपने फैन की विश को पूरी करती कैमरे में कैद हुई। दरअसल मलाइका योग क्लास के लिए पहुंची थी। जब वो कार से उतरी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और साथ में एक फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की। मलाइका ने उस रिक्वेस्ट को ना सिर्फ माना, बल्कि जब बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आने से कतराता दिखा तो वो खुद उनके थोड़े करीब गई और मोबाइल का एंगल सेट कर उनके मोबाइल पर सेल्फी ली। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार और कृति सैनन की जोड़ी नजर आई है। फिल्म के साथ साथ इस जोड़ी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। अब एक बार फिर दोनों साथ में फिल्म करने जा रहे हैं। क्रिसमस 2020 पर रिलीज होने वाली फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कृति नजर आएंगे। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि फरहाद सामजी इसे निर्देशित करेंगे। खबरें हैं कि प्रियंका चोपड़ा और पति निक जोनास ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में 144 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। अमेरिकी डॉलर में बात करें तो ये घर 20 मिलियन डॉलर का है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार निक और उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा ने 20,000 वर्ग फुट की संपत्ति खरीदी है और इसके लिए उन्होंने 20 मिलियन डॉलर या 144 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राखी सावंत संग शादी की खबरों को लेकर चर्चा में रहे उनके फेक हस्बैंड और कॉमेडियन दीपक कलाल मेट्रो में पिटाई खाने की वजह से एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। दीपक कलाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की उन्हें मेट्रो में जोरदार थप्पड़ जड़ती दिख रही है। ये वीडियो दिल्ली की मेट्रो का है। दरअसल लड़की दीपक के साथ बिना परमिशन सेल्फी ले रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक लड़की से इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि लड़की उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। लड़की से बदतमीजी करते देख वहाँ मौजूद एक शख्स दीपक का गिरेबान पकड़ लेता है और खड़काने लगता है। 2019 में हिंदी सिनेमा की कई क्लासिक फिल्मों की गोल्डन जुबली है, यानी इन फिल्मों की रिलीज को 50 साल पूरे हो रहे हैं। संयोग से गोवा में हर साल होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI भी 50 सालों के सफर को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में इस फेस्टिवल में ऐसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी जो 2019 में 50 साल की हो गई है। इनमें धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स की फिल्में शामिल हैं। जल्दी अमेजॉन प्राइम पर अब एक ऐसी सीरीज आने वाली है जिसमें अलग अलग पेशे वाले लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। अमेजॉन ओरिजिनल सीरीज वन माइक स्टैंड में 5 अलग अलग पेशेवर लोग दिखाई देंगे जिनका स्टैंड अप कॉमेडी से कोई लेना देना नहीं है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की दुनिया से एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू भी हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा म्यूजिशियन विशाल ददलानी भी इस शो में सबको हंसाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं बीबी की वाइंस के यूट्यूबर भुवन बाम भी इस शो में स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। दीपिका ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें रणवीर सिंह सलून में फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के लिए खास तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। दीपिका पोस्ट शेयर करते हुए लिखती हैं कि ये देखो रणवीर अपनी पहली एनिवर्सरी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ ही दीपिका ने रणवीर को टैग भी किया है। 14 नवम्बर को दीपिका रणवीर की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के अजय देवगन और सैफ अली खान के कुछ पोस्टर्स के बाद अब एक और पोस्टर जारी किया गया है। इस लेटेस्ट पोस्टर में सैफ अली खान काफी दमदार नजर आ रहे हैं। लोग सैफ के इस लुक की तुलना पॉपुलर टीवी कैरेक्टर जॉन स्नो से कर रहे हैं। सैफ अली खान इस फिल्म में उदय भान राठौड़ की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वायरल होती तस्वीर में ऐश्वर्या रेड कलर के खूबसूरत सूट में नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देख ऐश्वर्या के प्रेग्नेंट होने की खबरें फिर से सोशल मीडिया पर उठ खड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों में ऐश्वर्या का दुपट्टा उनके सामने की तरफ फैला हुआ था जिसमें उनका पेट ढका हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में इंटरनेट पर कई यूजर ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। कई यूजर्स का कहना है कि ऐश अपना बेबी बंप छिपाने की कोशिश में ऐसा कर रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।